Right, class now we move on to the revision lecture of chapter 4 agriculture so chapter 4 agriculture revision sub the importance of agriculture as you know that agriculture is a very important activity in india and our total workforce is almost you know two third okay इंडिया के टू थर्ड पीपल डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पे सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर इज द बैक बोन तो दिस इज द बैक बोन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक वाइज आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री को जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रो मटेरियल मिलता है शुगर इंडस्ट्री को रो मटेरियल मिलता है तो ये इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत जरूरी है और साथ साथ लोगों के जीवन यापन के लिए भी ये बहुत जरूरी है डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रील्चर इन जी डी पी इज अटर ऑफ सीरियस के लिए इसमें क्या पूछा गया आपसे इसमें पूछा गया कि भाई घटता हुआ शेयर खेती का चिंता का कारण क्यों है एज यू नो दैट दिज आर वेरी इंपोर्टेंट इंपोर्ट ओके सेक्टर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सेक्टर फॉर इंडियन पॉपुलेशन

बोझ को सहती है जहां पे जमीन का आकार छोटा होता है और पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता है तीसरी हमने देखी थी कमर्शियल फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग हमने देखा था कि सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया एक फसल बोई जाती है बहुत बड़े एरिया पे फॉर द पर्पज ऑफ द मार्केट मार्केट में बेचने के लिए नाउ यू कैन सी दिस क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया हैज थ्री क्रॉपिंग पैटर्न यू नो रबी सर्दियों का सीजन कहलाता है गेहूं मटर चना ये इसकी एग्ज़ाम्पल है खरीफ गर्मियों का मानसून के स्टार्ट से शुरू हो जाता है राइस ये इसका एग्ज़ाम्पल है जायद रबी और खरीफ के बीच के जो दो तीन महीने होते हैं वो जायद सीजन आता है इसमें सब्जियां वगैरह हम उगाते हैं ना ही सीधा मेजर क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स में आप ऐसी टेबल प्रिपेयर करेंगे जिस टेबल के थ्रू आपको आसानी से फाइव मार्क्स का क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा क्योंकि हर फसल के लिए फाइव मार्क्स के क्वेश्चन को याद करना काफी डिफिकल्ट है तो शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद करेंगे आप इनको ऐसे सिंगल पॉइंट में लिखेंगे और फिर जब क्वेश्चन पुटअप होगा बोर्ड में तब आप इसका पूरा एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे और ऐसे ही आपका पूरा हंड्रेड हंड्रेड वर्ड्स क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा तो ये टेबल आप प्रिपेयर करेंगे राइस टेम्परेचर क्या चाहिए रेनफॉल क्या चाहिए, सोइल क्या चाहिए ओके? Okay? तो ये आप देखेंगे। आर द खाना और चारा पशुओं का पल्सिस इंडिया प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर फूड क्रॉप्स शुगर केन हॉर्टिकल्चर नॉन फूड क्रॉप्स रबर फाइबर कॉटन जूट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल था काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस का because यही से हमारी जो खेती है उसके सुधार की बात की जाती है तो यहां पर एक क्या इट वॉज मैं प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर से इंसान खेती कर रहा है भारत का कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ कॉपरेशन कैबुलेशन ऑफ जमींदारी प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद हमने क्या किया है कलेक्टिवाइजेशन हमने जो जमीनें हैं वो इकट्ठी की है ंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कंसोलिडेशन मतलब क्या है जिसकी जमीन कहीं कहीं पे बटी हुई है उन सबको एक जगह लाना ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कोऑपरेशन कोऑपरेटिव सेटअप किए गए हैं मैंने बताया था एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम फिनिश कर दी गई आफ्टर द इंडिपेंडेंस कोई जमींदारी सिस्टम फॉलो नहीं की गई तो ये सारी चीजें यहाँ पे फॉलो की गई फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर एग्रीकल्चर नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन वट फार्मर है सो मैरी प्रॉब्लम लैंड एंड एग्रिकल इज डिक्रीज इंगी थिंक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जब किसानों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी है और हमारी जमीन जो है वो भी घटती जा रही है जो खेती लायक जमीन है वो कम होती जा रही है तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इस पर सोचने की बात है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये इम्प्रूवमेंट हो सिचुएशन

तो आपको पता है जो फूलों को बाहर वो बेचता है तो उसकी कमाई बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है किसानों की और फिर उसी कमाई से वो अपने खाने का अनाज खरीदता है अगर आप एक एकड़ से गेहूं उगाएंगे तो एक एकड़ में आपका मुश्किल से गेहूं तीस हज़ार से पैंतीस हज़ार का गेहूं तो आपका तैयार होगा लेकिन अगर उसी क्रोप में कोई भी आप महंगी फसल उगाएंगे उसी खेत में अगर आप कोई भी महंगी फसल उगाएंगे जैसे एलोवेरा है चंदन है कोई भी फ्रूट है कोई फ्लावर है तो आप उसी एकड़ से अपनी इनकम को लाखों में कर सकते हैं एक लाख दो लाख तो आप सोच सकते हैं कहाँ पे तीस पैंतीस हजार की कमाई साल में और कहा दो ढाई तीन लाख रुपए किसान वहां से सेम उससे कमा सकता है तो इंडिया नाइनटीन में ये करने की सिचुएशन में नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ भुखमरी बहुत थी तो उसके लिए हमें अनाज उगाना जरूरी था लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है अगर हम अपने खेतों में ऐसी फसलें उगाएं जिनका प्राइस ज्यादा हो मार्केट में तो हमारे लिए बेटर रहेगा हम उसको बेचकर अपने लिए खाने लायक अनाज खरीद सकते हैं आप समझ सकते हो कि एक किलो गेहूं और एक किलो एलोवेरा या एक किलो चंदन कितना जमीन आसमान का फर्क है तो ये हम कर सकते हैं यहां पे टाइम टू टू मूव द एक्सरसाइज एक्सरसाइज ओके वी हैव द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच ऑर दिस्क्राइब सिस्टम ऑफ एल एग्रीकल्चर वेर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया अभी अभी डिस्कस हुआ है कि सिंगल क्रॉप जब बड़े एरिया पे उगाए जाए उसे क्या कहते हैं सेकेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइ रॉप इनमें से क्या रबी क्रॉप है बहुत आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ले क्रॉप ये भी बहुत ईजी साइंस में आपने पढ़ाई होगा ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन थर्टी वर्ड नेम द इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप स्पेसिफाई स्पेसिफाइड्राफिकल कंडीशन रिक्वास ग्रोथ तो यहां पर इंपॉर्टेंट बेवरेज पेय पदार्थ हमारा जो पीने में यूज की जाती है वो क्रॉप कौन सी है उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन बताइए सेकंड नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड रीजन इट्स प्रोड्यूस भारत की एक खाद्य फसल बताइए जो खाई जाती है और उसका रीजन जहां पे ये प्रोड्यूस की जाती है सेकेंड एंड लिज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर फार्मर की भलाई के लिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल क्या क्या सुधार किए गए हैं हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन खेती लायक जमीन कम होती जा रही है क्या इसके परिणाम आप बता सकते हैं क्या होंगे सोच सकते हैं आप इसके परिणाम क्या होंगे अगर जमीन ऐसे ही घटती रही तो क्या होगा हमें अपना खाना बाहर से खरीदना पड़ेगा सिंपल इन ट्वेंटी वर्ड ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है सजेस्ट द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भारत में खेती को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो आप बताएं यहाँ पे वो हमने डिस्कस किया था क्या क्या लिए गए हैं डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर भारत पर दुनिया भर की जो ग्लोबलाइजेशन की इसकी जो स्टेजेस uh, रही है उसका भारत पर क्या असर रहा है क्या भारत का किसान टक्कर दे रहा है या नहीं दे रहा है दुनिया भर के किसानों को डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस चावल की खेती के लिए ज़ोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आप यहाँ पे बताएं सो राइट लास्ट एन दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर फोर कंप्लीटली वी हैव लुक एक्सरसाइज Now, I will send you the PDF of NCRT chapter 4. You can read word by word from that book uh, so that you can improve your understanding of this chapter and come and finish your note making and start working on exercise. Okay. Now, I'm giving you some activity work also. Name them and you can do it in a, a colorful page and you can paste it into your notebook. All right. So, map work is also very important in this chapter. So, uh, look after also. Uh, map for that also the wheat production the rice production tea coffee all this uh, crop okay so map work exercise work and this activity work so this three is your homework you can do it you have a uh, Friday Saturday Sunday okay three days you have and revise the chapter revise the slide so stay tuned thank you we'll meet in the next YouTube lesson next chapter thank you.